धर्म के संस्कार बच्चों को बचपन से ही दिए जाएं तो वो बड़े होकर उनके प्रति और संकल्पित होते हैं। कुछ ऐसा ही उदाहरण दिया इंदौर के IIM में पढ़ने वाली आर्या जैन ने। हॉस्टल में रहकर आर्या जैन ने पर्युषण पर्व में उपवास किए और दिन में एक बार बस नारियल पानी पिया। इंदौर के IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ने वाली आर्या जैन बचपन से ही जैन धर्म का पालन कर रही हैं। पर्युषण पर्व में भी आर्या जैन ने हॉस्टल में रहकर दिन में बस एक बार नारियल पानी लेकर उपवास की। इसके अलावा आर्या जैन का 10 दिन तक चप्पल का भी त्याग था। मैंने लास्ट ईयर 7 उपवास किए थे, उससे पहले मैं 3-4 उपवास कर लेती थी। आज मेरा 9वां उपवास है और मैं दिन में एक बार नारियल पानी लेकर हॉस्टल में रहकर अपने उपवास करती थी। इसके अलावा मेरा चप्पलों का भी त्याग था। मैं एग्जाम देने यहाँ तक घर आते समय एयरपोर्ट पे भी मैं नंगे पैर ही आई। आर्या जैन बताती हैं कि बचपन से ही घर का माहौल धर्म से ओतप्रोत था। मेरी दादी अभी आरिका अंतस्मती माताजी के पद से सुशोभित इस वर्ष कफीनगर गाजियाबाद में चातुर्मास कर रही हैं। मेरी मम्मी पापा दादी सब ने मुझे बचपन से ही धर्म के लिए संस्कार दिए हैं। मेरी दादी अभी आरिका अंतस्मती माताजी के पद से कविनगर गाजियाबाद में अपना चातुर्मास कर रही है। मेरे पापा मिस्टर रितेश जैन हार्वर्ड एलमनस करियर काउंसलर हैं और उन्होंने पिछले 20 साल में जैन करियर काउंसलिंग्स करी हैं अलग अलग महाराजी के सानिध्य में। इसकी वजह से मुझे हमेशा से सारे माताजी महाराजियों का आशीर्वाद मिलता रहा है। मेरे पापा के मामा लोग कामरा परिवार, उनको आचार्य श्री ने श्रीमंत सेठ की उपाधि दी थी और मेरी मम्मी के साइड के लोग, उनके साथ मैंने नैमावर में 1 महीने आचार्य श्री का चौका लगाया था। आर्या जैन ने घर से दूर हॉस्टल में रहकर भी पर्युषण पर्व के दौरान सभी नियमों का पालन किया। धन्य है ऐसे परिवार जो पंचम काल में बच्चों को धर्म से जोड़कर धर्म की प्रभावना कराते हैं। जैन फोकस के लिए इंदौर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।